पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गौमूत्र के साथ एक पत्र भेजा है और कहा है आईसीएमआर से इस बात की जांच करवाएं कि क्या गौमूत्र का अर्क पीने से कोरोना नहीं होता, क्योंकि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है गौमूत्र का अर्क पीने से नहीं होता है कोरोना। अपने बयानों से विवाद में रहने वाली भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ने जब ये कहा कि देसी गाय के मूत्र का अर्क पीने से कोरोना नहीं होता तो इस पर विवाद होना लाजमी था। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरियर से गौमूत्र की शीशी के साथ एक पत्र भेजा है और कहा है वे आईसीएमआर और डीआरडीओ से गौमूत्र की जांच करवाएं और पता करें कि क्या इसे पीने से कोरोना नहीं होगा, क्योंकि भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह का कहना है कि गौमूत्र का अर्क पीने से कोरोना नहीं होता तो क्या अब कोरोना वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी, पीसी शर्मा ने लिखा है, या फिर क्या धार्मिक भावना के आधार पर देश और राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, चाहे प्रज्ञा ठाकुर जी के या उषा, ये बता रहे हैं कि केंद्रीय सरकार मोदी जी फेल हो गए इलाजों में, ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी फेल हो गए हैं, इसलिए ये जो उपाय हैं वो लोग जो बता रहे हैं वो किया जाना चाहिए। मेरा तो इन दोनों से एक ही कहना है कि किसी कोरोना वार्ड में घूम के आए, फिर गौमूत्र और फिर ये हवन की बात करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।